और इधर धनबाद में प्रचंड गर्मी पड़ रही है, जिससे पेयजल संकट गहरा गया है और लोग परेशान हैं। हालांकि कुछ सामाजिक संस्था नगर निगम के साथ मिलकर लोगों को शीतल पेयजल मुहैया कराने में जुटी हुई है। भीषण गर्मी में पानी की किल्लत से एक तरफ लोग हलकान हैं, वहीं दूसरी तरफ धनबाद में समाज सेवी संगठन और नगर निगम साथ मिलकर लोगों को निःशुल्क ठंडा पानी मुहैया करवा रहे हैं। इसे लेकर भीड़भाड़ वाले इलाके और धनबाद के बंटाल स्थित बस स्टैंड में मारवाड़ी यूथ ब्रिगेड की तरफ से वाटर टावर लगाया गया, जिसका उद्घाटन नगर आयुक्त और समाज सेवी ने मिलकर किया, जहां से निःशुल्क शीतल जल लोगों को मुहैया हो सकेगा। नगर आयुक्त ने इस पहल की तारीफ की है। लोगों ने यहां के जो मारवाड़ी यूथ ब्रिगेड है उनसे अनुरोध किया कि एक शीतल और जो प्योर वाटर आरओ वाटर का एक निर्माण किया जाए, तो इनके सहयोग से आज ये निर्माण का शुरू किए थे हम लोग, आज ये प्रारंभ हो गया। एक तरफ इस गर्मी में बस यात्रा करना वैसे भी मुश्किल भरा होता है, दूसरी तरफ यदि यात्रियों को प्यास लगे और पानी ना मिले तो गला सूख जाता है। यही वजह कि बस स्टैंड में यात्रियों को पानी मुहैया करवाने की इस पहल की सभी तारीफ कर रहे हैं। समाज के सौजन्य से और हमारा समाज हमेशा इसमें अग्रणी रहा है और ये ऐसे ऐसे स्थल देखते रहता है कि कहाँ जल की समस्या है और सुचारू रूप से लोगों को शुद्ध जल मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है। इसके लिए मारवाड़ी यूथ ब्रिगेड और इस पेय जल योजना के लिए प्रवीण कुमार अग्रवाल जी की टीम निरंतर लगी हुई है। योजना है हमारे महेंद्र भैया ने बीड़ा उठाया है, हमारे महावीर के पैटर्न ने, कि 50 जगह शहर में लग जाए, हर कोने में जो शुद्ध जल इनको मिल पाए। अभी तक ये 14 हो चुकी है, 15 रेडी है और आने वाले समय में 35 का और हम लोग को पूरा करना हमारे युद्ध ब्रिगेड का ये हम लोग का संकल्प है। कहते भूखे को खाना खिलाना और प्यासे को पानी पिलाना सबसे बड़ा पुण्य है। मारवाड़ी समाज ने जिस तरह से भीषण गर्मी में प्यासों की प्यास बुझाने के लिए वाटर टावर का निर्माण करा है, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम होगी। न्यूज 11 भारत के लिए धनबाद से अरुण बंडवाल की रिपोर्ट। और सीधे धनबाद से सहयोगी दिलीप हमारे साथ बने हुए हैं। दिलीप, एक तो भीषण गर्मी, ऊपर से बिजली की कटौती और धनबाद में पानी की किल्लत, तो हर तरीके से जो लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं। देखिए, बिल्कुल धनबाद के लोग काफी परेशान हैं और ये परेशानी पिछले कई वर्षों से चली आ रही है। और पेयजल समस्या की बात जहाँ पे है, तो कई जलापूर्ति योजना की शुरुआत बीजेपी की सरकार में भी हुई थी और झारखंड के ये जेएमएम की सरकार में भी शुरू की गई, लेकिन योजनाएं अभी तक अवली जामा पहुँचने से पहले ही दम तोड़ती नजर आ रही। और ऐसे में जब गर्मी, प्रचंड गर्मी बढ़ती है, तो पानी का जो भूगर्भ जल स्रोत है वो नीचे चला जाता है और ऐसे में जो वाटर सप्लाई उस सिस्टम पर निर्भर करना पड़ता है और वो भी सिस्टम पूरे तरीके से धनबाद में फैल है। और जहाँ तक गर्मी की बात है, तो गर्मी अभी जो मौसम वैज्ञानिक है उनके अनुसार 41 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है और जैसे जैसे दिन ढल बढ़ेंगे तो ये 42 यानी 42 तक पहुंच सकता है। तो गर्मी से भी लोग परेशान हैं, लेकिन परेशानी को लोग झेल रहे हैं क्योंकि ना इसको लेकर के ना तो जिला प्रशासन की तरफ से ना बिजली बोर्ड की तरफ से कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की जा रही। और जो लोड शेडिंग की बात है, पिछले कई दिनों से लोड शेडिंग भी लगातार जारी है। DVC ने भी हाथ खड़े कर दिए थे कि वो बिजली उत्पादन नहीं कर पा रहा है, तो आखिर वो बिजली सप्लाई कहाँ से करे, जिसको लेकर के बिजली बोर्ड के अधिकारियों ने भी धनबाद की जनता से अपील की थी, अगर आपको ज़रूरत हो तभी अपने AC का इस्तेमाल करें, फ्रिज का इस्तेमाल करें, ज़रूरत पड़े तभी आप पंखे को चलाएं। तो ऐसे में समझने वाली बात है कि लोगों की परेशानी किस तरह से बढ़ रही है और फिलहाल इस परेशानी का हल जिला प्रशासन, विद्युत बोर्ड या फिर अन्य लोगों के बीच दिखता नहीं पड़ रहा कि कैसे इसका हल निकाला जाए। और यही इसी प्रकार की भीषण गर्मी रही तो मलेरी क्षेत्रों में खास करके उन्हें काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि शहरी क्षेत्र में थोड़ी सी जलापूर्ति योजनाएं थोड़ी सी सुदृढ़ है तो लोग परेशानी कम झेलते हैं, लेकिन मलेरी क्षेत्र में जो पूरे तरीके से वाटर सप्लाई सिस्टम पर भी निर्भर करते हैं, क्योंकि वहाँ पर ना तो डीप बोर की व्यवस्था है ना कुआँ है, क्योंकि पानी जो वहाँ निकलता है वो पानी काफ़ी प्रदूषित होता है जिसका वो इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जी, लेकिन अच्छी पहल भी देखने को मिली है, कुछ सामाजिक संस्था नगर निगम के साथ मिलकर लोगों के लिए शुद्ध पेयजल की व्यवस्था भी कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को भी आगे आने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दिलीप तमाम जानकारियों के लिए। तो बिजली पानी की समस्या लगातार लोगों की बढ़ी हुई है इस भीषण गर्मी में। एक तरफ 40-42 टेम्परेचर पहुंच गया है, लोगों की परेशानी वैसे ही बढ़ी हुई है, लेकिन जो बिजली पानी होनी चाहिए, लोगों को मिलनी चाहिए सुविधा, वो भी नहीं मिल पा रही है। Like and share videos,
सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।